पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं और जो भी विकास का मुद्दा है उसको भटकाया जा रहा है, चाहे राजधानी ट्रेन के स्टॉपेज का मामला हो सासाराम जंक्शन पे। सासाराम में एम्स के लिए घोषणा किया गया कि ऑल इंडिया मेडिकल एम्स बनेगा, जमीन देने के लिए वहाँ किसान जमीन कलेक्टर के पास खड़ा हो गया, 150 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार था। माँ तारा चंडी की तरफ पहाड़ी इलाका में बहुत काफ़ी जमीन था, चारों तरफ से रोड जुटा हुआ है, जीती रोड शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है सासाराम। काफ़ी संख्या में फॉरनर और टूरिस्ट वहाँ जाते हैं ऐतिहासिक वहाँ घूमने के लिए। और बिहार का माना जाना शहर है, मुगलसराय डिवीज़न में जो DRM बैठता है वो गया के बाद स्थान है सासाराम के। राजस्व के भी मामला में एक ट्रेन मैडम मीरा कुमार जो लोकसभा अध्यक्ष जो चलवाई थी आनंद बिहार गरीब रथ एक्सप्रेस, उसको भी लोग गया लेके चला गया। आज ऐसा हाल हो गया है कि सासाराम के लोग को व्रत नहीं मिलता है दिल्ली आने के लिए। लाखों छात्र यहाँ पर मुखर्जी नगर में लोग पढ़ते हैं, यहाँ कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं। उनका सपना था कि सासाराम में हावड़ा राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी, रांची राजधानी और चर पचपच को राजधानी गया लाइन से गुजरती है। कोई सा भी राजधानी के स्टॉपेज का ठहराव नहीं है। अब VIP ट्रेनों का ठहराव के लेकर के हम कम से कम दिल्ली में एक दर्जन MP से पत्र लिखवाया और पत्र लिखवाने के बाद में ये देखिए आपका कैमरा पर मैं डिप्टी स्पीकर का चिट्ठी दिखा रहा हूँ। डिप्टी स्पीकर हरबंस कुमार जी लोकसभा में जो राज्यसभा में जो अभी राष्ट्रपति लेवल पर हैं वो वहाँ पर पत्र लिख के आग्रह किए कि सियालदह राजधानी एवं हावड़ा राजधानी के सुनिश्चित ठहराव चुनाव से पहले किया जाए और बरवाड़ी डेहरी पैसेंजर, धनबाद डेहरी पैसेंजर को सासाराम तक लाया जाए। लेकिन हम लोग सांसद तो शायद 2-3 बार मिल चुका रेल मंत्री से, उसके अलावा भी आम पब्लिक भी मिला गया, मनोज सिन्हा से भी कहा गया, 10 गुआ एडवोकेट यहाँ के गए थे जो शाहबाग के जितने भी सब लोग हैं वो लोग भी जाके कहे कि राजधानी के वहाँ एगो कम से कम तत्काल में एगो करा दिया जाए, सियालदह वाला चाहे हावड़ा वाला के वो ठहराव दे दिया जाए। मनोज सिन्हा भी यही बात बोले कि आज जाऊँगा मैं, पीयूष गोयल से बात करूँगा, कल बजट आ रहा है उस पर हम बात करेंगे। तो उनको भी से भी यही आश्वासन मिला। GM अभी गया था 22 मार्च को इंस्पेक्शन करने गए, 22 फरवरी को गया था इंस्पेक्शन करने, GM हाजीपुर GM आया था, GM को भी हम लोग ज्ञापन दिए, धरना हुआ, चक्का जाम हुआ, बहुत कुछ वहाँ हुआ है इससे पहले, लेकिन यही आश्वासन मिला कि 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। लेकिन कहीं में कहीं सासाराम के साथ नज़रअंदाज किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे पीयूष गोयल की मामला हो आ चाहे एम्स की मामला हो चाहे एयरपोर्ट की भी मामला हो। मैडम जब स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष थी तो वहाँ एयरपोर्ट ले गई थी, उसका भी जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया, उससे पाछे का दरभंगा में शिलान्यास हो गया एयरपोर्ट के लेकर के। लेकिन अभी तक सासाराम में कोई एयरपोर्ट का काम पूरा नहीं हुआ और सासाराम 4 जिला के कवरेज करता है, वहाँ रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, आरा है, झारखंड का भी कुछ गढ़वा इलाका का भी कोर लगता है और औरंगाबाद जिला का भी लगता है। लेकिन ये सबको देखते हुए फिर भी वहाँ एयरपोर्ट तो ढेर दूर है, वहाँ अभी VIP ट्रेन जैसा ट्रेनों का ठहराव अभी तक नहीं दिया गया। और इतना हम लोग जो मांग किए हैं उसमें हावड़ा जैसलमेर है, भुवनेश्वर आनंद बिहार है, हावड़ा लाल कुआं है, ये सब पब्लिक के गरीब के चढ़ने वाला ट्रेन है जो कि चर पचपच को जनरल बोगी है, वो सब ट्रेनों को गया से सीधा मुगलसराय स्टॉपेज दिया गया है। और मैं कई दफ़ा हम लोग प्रधानमंत्री को मेल कर दिए, रेल मंत्री को मेल कर दिए, रेल मंत्री से मिल के बता दिए, सांसद मिलता है लेकिन सांसद को भी यही कहा जाता है, लेकिन सांसद भी यही वादा करके आया कि हम जीतेंगे तो राजधानी रुकवाएंगे, एयरपोर्ट लाएंगे, पंडू का पुल बनवाएंगे जो कि रोहतास तिलौथू जो है वहाँ से शॉर्टकट रहता हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ सासाराम में बहुत दिन से मामला चल रहा था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज शहर से बाहर चला गया, सासाराम शहर से बाहर थोड़ा आउट हो गया। वहाँ भी जनता पब्लिक बहुत काफ़ी विरोध किया। तो जो केंद्र सरकार का जो नज़रिया है वो बहुत निंदनीय है और सासाराम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, चाहे 15 लाख खाता में डालने के बात हो उसको भटका दिया गया, वो भी ख़त्म हो गया। 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देने के बात हुआ था, वो भी मोदी सरकार में ख़त्म कर दिया गया। शहीद जवान हमारे इतना शहीद हो रहे हैं मोदी शासन में, 5 साल के रीजन में हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं इतना शहीद हुआ का मोदी सरकार के शासन में उतना किसी के शासन में नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये अगर शहीद अगर मारा जा रहे हैं तो मोदी का जिम्मेवारी नहीं है, अगर हमारे जवान अगर आतंकवादी को मार देते हैं तो मोदी जी का जीत है, जहां श्रेय तो लेना आपका, है आपका क्या कहना है मोदी? मेरा कहना यही है मोदी जी से कि राजनीति थोड़ा कम करें,
गरीब पर ध्यान दें, और जो स्टेशन के जो आप लोग ललीपॉप दिखाने के लिए कहे थे कि हमारा सरकार बनेगा तो हम सासाराम विश्व स्तरीय स्टेशन बनाएंगे, सासाराम से मुंबई के लिए सूरत के लिए ट्रेन चलवाएंगे, सासाराम जंक्शन से दिल्ली के लिए नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलवाएंगे, बेंगलोर के लिए चलवाएंगे, ना वहाँ वॉशिंग लाइन बना, ना स्लेटर लगा, ना लिफ्ट लगा। एक माना जाना शहर है सासाराम, बिहार का बहुत बड़ा अंग है, सारा राजनीति वहीं से लोग होता है, बाबू जगजीवन राम के क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। आपको कई बार आपको सांसद वहां से जीत के आया, वहां कोई विकास के काम नहीं होता है और हवा में हवा हवा पर हवा दिया जाता है। जो आप विकास का बात कर रहे हैं, ये बीजेपी सरकार में ही आप मांग कर रहे हैं या इससे पहले भी आप जब बीजेपी सरकार नहीं थी तब आप मांग कर रहे हैं? जो भी विकास हुआ है, जो भी चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जितने चमक धमक देख रहे हैं, अगर कांग्रेस सरकार 100 घोषणा करती थी तो 50 जरूर लेके आती थी, लेकिन बीजेपी में 100 में से हमको लगता है कि 98 भी पूरा नहीं होता है। अच्छा, 98 भी पूरा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल झूठे झूठ। चाहे पीयूष गोयल जी भ्रष्ट मंत्री हो, चाहे अरुण जेटली जी भ्रष्ट हो, ये सारे भ्रष्ट हैं। उनके मोदी सरकार में 2 मंत्री का हमको काम अच्छा लगा, सुरेश प्रभु जी का अच्छा लगा काम, और नितिन गडकरी का काम अच्छा लगा। क्या लगता है इस बार बीजेपी सरकार आएगी? देखिए, जनता के हित में, कोई गरीब के हित में काम हुआ नहीं है, लोक लुभावन दिया जा रहा है, अभी लोग को रोजगार से भटकाया जा रहा है, रोक कश्मीर का मुद्दा, कहीं भी मोदी जी भाषण में बोलते हैं कि कब्रिस्तान है, अबिस्तान है, हिंदू है, मुसलमान है, यही सब बोलते हैं, विकास का बात बोलते नहीं हैं। अच्छा, योगी इस तरीके से अभी 2 महीने रह गए हैं। हाँ, ये 2 महीने का, अब तो 2-4 दिन के बाद अब आचार संहिता लागू होने वाला है, लेकिन जैसे लालू जी बिहार में जब चुनाव आता था तब नकली पत्थर लगाने लगते थे, हर जगह शिलान्यास करने लगते थे, वही काम आज मोदी के मंत्री भी कर रहे हैं। अच्छी बात बताइए, जिस तरीके से अभी दो महीने या कुछ दिन रह गए हैं वोटिंग के लिए, और मान लो अगर इस वोटिंग के बाद दूसरी सरकार आती है तो आपको क्या लगता है कि दूसरी सरकार अगर आती है तो हम लोग उससे भी लड़ाई लड़े हैं, बहुत कुछ लिए हैं उससे, और वो जो बोलती थी वो कुछ करके लाती थी, लेकिन इनके रीजन में कुछ मिला नहीं, छोटा छोटा खाली इनका जो मिनिस्टर हैं, मोदी सरकार के जो मिनिस्टर हैं मनोज सिन्हा जी जो हैं, वो खाली गाजीपुर और बनारस, पूरा देश में खाली गाजीपुर बनारस नहीं है। हमने ये भी कहा कि गुजरात में एक छोटा मोटा स्टेशन पर राजधानी का स्टॉपेज दिया गया है, अगस्त क्रांति निजामबंदी से खुलती है, नवसारी में रुकती है, वापी में रुकती है, बलसाड़ में रुकती है, भिलाड़ में रुकती है, बोरीवली तो आप मुंबई के तो मतलब ये इलाका है, लेकिन हमने कहा कि जो पर्यटन स्थल नहीं है, तो जो धार्मिक जगह नहीं है, उस ट्रेन को वहाँ रोका जाता है। राजनीति के अगर नेता वहाँ का दबंग है, एमपी दबंग है, वहाँ स्टॉपेज दिया जाता है। जो एमपी इतना बड़ा बड़ा नेता के चुनाव हरा के आता है, वो आपसे सरकार आपने वादा किया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी गए, बोले कि सासाराम में हम सियालदह राजधानी को स्टॉपेज देंगे, हावड़ा राजधानी के स्टॉपेज देंगे, स्टेशन विश्व स्तरीय यहाँ के बनाएंगे, शामिल भी हो गया, 1 क्लास 1 का स्टेशन भी है, शामिल भी है। अभी हमने वहाँ बहुत सारे परियोजना का उद्घाटन किया गया, आधा अधूरा कोई परियोजना पूरा नहीं हुआ, प्लेटफॉर्म का काम पूरा नहीं हुआ। आरा सासाराम मनोज सिन्हा जी लाखों के घोषणा में, जो सासाराम गए थे 2015 में घोषणा किए थे लाखों के बीच में कि आरा सासाराम दोहरीकरण होगा, दोहरीकरण भी नहीं हुआ, सारे आधा अधूरा काम हुआ। तो हम आपको सच्चाई बताता हूँ कि हम राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन राजनीति जब मोदी जी कर रहे हैं तब हम लोग भी करेंगे, इसलिए करेंगे कि जैसे जनता का बिकू बनाते हैं, इस बार 2019 में इनको जनता भी आईना दिखाएगा। अब ज़्यादा दिन समय नहीं है, आईना दिखाने का समय आ गया है, और हम बोल दिए हैं कि पूरा शाहबाग में 4 MP आपका चुनाव जीत के आते हैं, आर के सिंह ऊर्जा मंत्री हैं अभी मोदी सरकार में, उनका अब वो मंत्री बने तो थोड़ा आरा सासाराम विद्युतीकरण हो गया, थोड़ा मोड़ा आरा का स्टेशन का विकास हो गया, ना तो वो भी कुछ नहीं होने वाला था। जैसे बक्सर में खाली गया सासाराम में, दूसरा वहाँ भी खाली गया, तो छोटा मोटा शहर को मोदी सरकार में कुछ मिला नहीं, गरीबों को कुछ नहीं मिला, जितना भी फायदा मिला वो बड़े लोग को मिला। योजना वही है, योजना के खाली रंग रूप बदल दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया, सारे योजना कांग्रेस का है, लेकिन ये खाली आयुष्मान बीमा बता रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना बता रहे हैं, सारे तो कांग्रेस के सीजन अथु में था, मनमोहन सरकार में था। तो हम यही कहेंगे कि जितना चमक धमक देख रहे हैं, ये 70 साल में जो कांग्रेस राज किया है, आज उसी का दिन है कि चमक धमक जो दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में बिहार में दिख रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, जनता को बेवकूफ़ बनाया 5 साल तक, और घोषणा पर घोषणा किया, कुछ पूरा नहीं किया। जब चुनाव आता है तो आरक्षण के याद आ जाता है, जब चुनाव आता है तो शिलान्यास का याद आ जाता है, 5 साल सरकार सोती है, और जब 2 महीना इलेक्शन आता है तो सारे चीज़ों को। आप लोग ये धरना प्रदर्शन कब से कर रहे हैं? हम लोग जंतर मंतर भी किए थे, हम लोग का भी यही आश्वासन मिला था, हमारे कुछ रेलवे बोर्ड से कुछ संपर्क में हैं एडवाइजर लोग, ईडी कोचिंग और ट्रैफिक मेंबर पिलानी साहब, अभी समय नया नया है, और विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के CRB हैं, तो आप उनसे भी हमारी बात हुई है, लेकिन हमने उनसे कहा हूँ कि हमारे साथ सासाराम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है,
और इससे पहले ससराम बहुत पहले राजधानी के 4 साल से डिमांड हो रहा है, उससे पहले हावड़ा राजधानी का स्टॉपिस आसनसोल में दिया गया बाबूलाल सुप्रिया के रिक्वेस्ट पे, फिर उसका बाद ग्वालियर में दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी पूरा देश के प्रधानमंत्री थे, अगर अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर आपको देना था स्टॉपिस तो ससराम में भी क्यों नहीं दिया गया, क्यों खाली ग्वालियर में स्टॉपिस दिया गया और गुजरात में भी दिया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ ग्वालियर के नहीं न थे, ये देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं का नाम पर आप हर जगह राजधानी का स्टॉपिस दे देते। लेकिन ये बनारस और गाजीपुर के लोग बात करते हैं, चुनाव में इनको जनता दिखाएगा कि क्या होता है बनारस और गाजीपुर। खाली गाजीपुर बनारस में आदमी नहीं रहता है, आपको मैं कहा कि चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे आपको क्या बोलते हैं 15 लाख खाता में डालने की बात हो, और चाहे किसान का मामला हो, चाहे मजदूर का मामला हो, ये भटकाया जा रहा है। अभी ये सब जो घटना जो हुआ है कश्मीर में, ये बहुत काफ़ी निंदनीय है। हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं, जो हमारे वो हुए हैं, उनका मृत्यु जिनका हुआ है, उनका हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको सलाम करते हैं कि हमारे लिए वो सीमा पर रह करके लड़ाई लड़े, अपना जान को त्यागे, और इसके लिए हम सलाम करते हैं। ये मोदी सरकार का कोई श्रेय नहीं है, सेना का श्रेय, सेना को हम लोग सलाम करते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, सेना को हम लोग मनोबल बढ़ाएंगे। और इसके लिए हम लोग जो विकास का मामला है, जो ससराम में राजधानी का जो मामला है, चाहे एम्स का मामला हो चाहे एयरपोर्ट का मामला है, इसका लड़ाई जारी रहेगा और चुनाव में इस बार हम लोग बीजेपी को हर जगह हराने के लिए कोशिश करेंगे।